पारंपरिक रेसिपी हो और ये रेसिपी ना हो तो खाना का कोई मजा ही नहीं है फ्रेंड्स। तो ये शुरू से अंत तक आपको वीडियो देखना है कि आखिर है क्या, और ये इनको देखने के बाद, बनाने के बाद आप जरूर ललच जाइएगा कि ये कैसे बने हैं। तो इसके देखने के लिए आपको शुरू से अंत तक वीडियो को देखना होगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं मीना। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये एक बाउल ले लिए फ्रेंड्स, और बाउल में हम लेंगे एक कप, मतलब एक कप के करीब टोटल ये होंगे 50 ग्राम बेसन, तो यहाँ ले लिए हैं। और बेसन लेने के बाद हम आपको कुछ मसाला दिखाएंगे। तो यहाँ देखिए, बेसन से तो आप समझ ही गए होंगे, इसके लिए आपको शुरू से अंत तक वीडियो देखना होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे लेंगे चुटकी भर हल्दी पाउडर, और लेंगे हम यहाँ पे चुटकी भर, हाथ से ही लेंगे हम भुना हुआ जीरा पाउडर। तो जीरा पाउडर को हम ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए भुना हुआ जीरा पाउडर है। चुटकी भर हम लेंगे काली मिर्च पाउडर, ज्यादा तीखा होते हैं। अब हम लेंगे यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक, नमक ध्यान से लीजिएगा, नमक ले लिए हैं। और इसमें हम लेंगे 2 चम्मच दही, तो दही हम ले रहे हैं, आप अपने खट्टे के अनुसार ले लीजिएगा। तो यहाँ पे हम ये नहीं बताएंगे कि आप फ्रेश दही लीजिए, थोड़ी खट्टी ही हो तो चलेगा, क्योंकि इनमें स्वाद आएगा। तो दही ले लिए हैं, और सबको हम यहाँ मिला लेते हैं इस तरह से। फ्रेंड्स वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, फिर से बोल रहे हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ना 10-12 ना 20 को, कम से कम 3 से 4 को तो वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के इनको अच्छा सा एक बैटर तैयार करेंगे, तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है फ्रेंड्स, और बहुत ही टेस्टी होने वाला है। स्वाद के साथ साथ ये उंगलियां चाटते रह जाइएगा, पर क्या बनने वाला है आपको तो देखना पड़ेगा शुरू से अंत तक। इनको काफी, मतलब 5 मिनट फेटेंगे हम, चाहे तो हाथ को अच्छे से धो करके हाथ से ही फेटे, क्योंकि हाथ से फेटने के बाद ये काफी फ्लॉपी बनते हैं। इनको हम अभी चम्मच से मिला के फिर हाथ से फेटेंगे हम। यहाँ पे हाथ को हम अच्छे से धो लिए हैं, वह हाथ से फेटेंगे, और फ्रेंड्स देखिए इनसे क्या बनने वाला है। लेकिन इसके बाद वाला जो वीडियो आ रहा है ना, देख करके आप दंग रह जाइएगा, क्योंकि बिल्कुल पारंपरिक बनेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम इनको 5 मिनट फेटेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए हम फेटते हुए 5 मिनट हो गए हैं, पर आप लोग चाहें तो इनमें थोड़ी बैंगन, थोड़ी लौकी, मतलब आलू, जो भी आपके घर में वेजिटेबल है आप ले सकते हैं। हम नहीं लिए, यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम बस बेसन से ही बना लेते हैं इनको अच्छा सा एक रेसिपी। तो आप लोग समझ रहे होंगे ना, कंफ्यूजन होंगे ना कि आखिर बैंगन और लौकी और आलू के कौन तुक है। तो आप लोग जरूर शुरू से अंत तक वीडियो देखिए, तभी समझ में आएंगे। तो ये तो अच्छे से फेट गए हैं, अब इनको रख देते हैं रेस्ट पर, अब आगे देख लीजिए वीडियो में। यहाँ पे हम फिर से एक बड़ा बाउल ले लिए हैं, और इनमें हम लेंगे ये करीबन टोटल मिला करके 200 ग्राम बेसन, बेसन ले लिए यहाँ पर। और बेसन में हम लेंगे 200 ग्राम बराबर दही लेंगे, आपको खट्टे कम पसंद है तो कम लीजिएगा, हमें खट्टा ज्यादा पसंद है तो एक ये बराबर ही ले रहे हैं, बराबर एक कप बेसन तो एक कप दही यहाँ पर ले रहे हैं। अब हम इनमें कुछ मसाला लेंगे, तो मसाला में हम लेंगे हल्दी पाउडर 1/2 छोटा चम्मच ये कलर के लिए, और यहाँ पे लेंगे स्वाद अनुसार नमक, नमक हम 1 चम्मच लिए हैं, और थोड़ी सी कुछ मसाला लेंगे। तो मसाला में हम लेंगे यहाँ पर 1/2 छोटा चम्मच से कम हम लेंगे काली मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लेंगे हम भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ी सी लेंगे हम चिली फ्लेक्स, एकदम थोड़ा सा, आपको पसंद हो तो लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिएगा। चाहे तो आप यहाँ पे धनिया पाउडर ले सकते हैं, थोड़ा सा ले ले रहे हैं धनिया पाउडर। सबको मिला लेते हैं मसाला को, थोड़ा सा तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर ले ले रहे हैं, आपको तीखा बिल्कुल नहीं पसंद है तो इनको स्किप कर दीजिएगा। अब हम इसी में लेंगे 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, आप चाहे तो ले सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, और सबको अच्छे से मिला ले। तो हमें यहाँ फेटना नहीं है, तो जिससे हम दही लिए थे ना उसी से हम पानी 1 कप ले लेते हैं यहाँ पर, और सबको मिलाएंगे। इनमें पानी ज्यादा ही कुछ लगने वाला है, बिल्कुल पारंपरिक बनाएंगे फ्रेंड्स, आप लोग देखते रहिएगा। तो इनको अच्छे से पहले फेट लेते हैं, तो थोड़ा सा और हम मिला लेते हैं, यहाँ पे 1 कप पानी हम और ले रहे हैं, जितना पानी लग जाए उतना लीजिएगा। इनको हम अच्छे से, सारा गांठ गुठली खत्म हो जाए तभी जाकर के इनको छोड़िएगा, और वैसे भी हम बेसन को छान के लिए थे। यहाँ पर अच्छे से सारे बेसन को हम घोल बना लिए हैं, और 1 कप पानी हम और लेंगे, तो टोटल 3 कप पानी हम ले रहे हैं यहाँ पर। जरूरत पड़ी तो 1-2 कप पानी हम बाद में लेंगे, कब लेंगे बताएंगे हम आपको। चलो फिर से आ गए हम ये बैटर के पास, तो यहाँ पे हम बस थोड़ा सा, चुटकी भर से भी कम बेकिंग सोडा ले रहे हैं,
और हम सबको मिला लेते हैं, ज़्यादा नहीं मिलाना है, बस ये लास्ट में ही लीजिएगा। तो हम यहाँ मिला लिए हैं, अब चलिए गैस के पास चलते हैं। पर पहले से ही हम तेल गर्म होने के लिए रख दिए हैं और हम ले लिए हैं बैटर। तो इनका हम बस ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, इतना छोटे छोटे हम डालेंगे। इस तरह से सभी को ले लेंगे तेल में, जितना आ जाए, जितना हमारा बैटर था हम सबको ले लिए हैं। थोड़ा सा हम इस तरह से ऊपर में तेल इस तरह से हम डाल देते हैं। नए बिगिनर है तो आप इस तरह से ले ले एक चम्मच, चम्मच के सहारे यहाँ से देखिए सब पलट जाएंगे एकदम बारी बारी से, इसी तरह से सबको पलट लीजिएगा। देखिए यहाँ पर हमारा ये जो फुलौरी है छन कर तैयार हो गए मिनटों में एकदम। अब चाहे अगर तेल निकालना चाहते तो इस तरह से एक बाउल में पानी ले ले, पानी में ही सीधे डाल दे इनको ताकि सारा ऑयल निकल जाएंगे आपका। सबको हम ले लेते हैं। अच्छा, पानी के बाद आप चाहे तो इस तरह से बस पानी हल्के हाथ से इस तरह से निचोड़े और एक बर्तन में लेते जाए, हल्के हाथ से निचोड़े इसी तरह से। तो देखिए यहाँ पे आपको हम तेल दिखा देते हैं किस तरह से सारे तेल पानी में, आप ध्यान से देखिए सारा तेल आ गया है। यहाँ तेल भी नहीं इनमें रहा। तो सभी हम फुलौरी को पानी से बाहर ले लिया, पानी में देख सकते हैं तेल, और यहाँ देखिए ये फ्रेश हो गए। तो आइए अब इनका बारी आ गया, देख करके आप सभी को पता चल ही गया होगा, तो हम मैं क्यों छुपाऊं, ये है ही ऐसा चीज, पता चल ही जाता है। तो अब हम चलिए इनको रिवील कर देते हैं अच्छे से। यहाँ पे हम कोई तड़का नहीं लिए हैं, सीधे हम छन्नी को ये कलछी को इस तरह से रखेंगे, इनके जरिए हम कढ़ाई में ले लेंगे घोल को, और एक कप पानी हम और लेंगे। तो गिनते जाइएगा फ्रेंड्स कि हम कितना पानी लिए हैं, 200 ग्राम बेसन में उस हिसाब से आप जब बनाइएगा तब उतना ही हिसाब से पानी लीजिएगा। और यहाँ पे हम गैस की फ्लेम तेज करेंगे और लगातार चलाते रहेंगे ताकि जो दही है फटे नहीं, और बिल्कुल नहीं फटेंगे। हम आप लोगों को बना करके दिखाते हैं, शुरू से अंत तक देखिए वीडियो को। तो चलिए इनको इसी तरह से चलाते रहना है। ये है बिल्कुल पारंपरिक कढ़ी, जो कि खाने में कढ़ी के नाम सुनते ही मुंह में पानी आता है फ्रेंड्स। और एक कप चावल में खाने के जगह एक कवर, वहां चार कवर लोग खाते हैं चावल। तो इनको बस चलाते रहें, दही फटे ना, और दही बिल्कुल नहीं फटेंगे। मेरे तरह से बनाइएगा तो बार बार बनाना पसंद कीजिएगा इन्हीं को। ये कढ़ी को हम चलाते रहेंगे, एक मिनट नहीं छोड़ेंगे फुल आंच पे। तो इस तरह से चलाते रहना है फ्रेंड्स, और घबराइए मत, ये कढ़ी बहुत ही पारंपरिक जैसे बनते हैं ना उसी तरह से बनने वाले हैं। आप लोग वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड्स, फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके छोटको सा घंटी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेंगे। इनको हम यहाँ पे चलाते रहेंगे हाई फ्लेम पे। देखिए यहाँ पे चलाते चलाते काफी गाढ़ा हो गए हैं, यहाँ पर भी जरूरत पड़ेगी तो लगभग एक कप के करीब पानी हम लेंगे। एक कप के करीब पानी और ले लिए हैं, मतलब आपसे अगर गाढ़ा होते जाता है एकदम ठीक हो जाता है तो आप पानी बीच बीच में ले सकते हैं, लेकिन तब तक पकाना है जब मैं अच्छे से इनमें उबाल ना आ जाए, तो एकदम उबाल लाना है इनमें। तो देखिए अभी तक तो ठीक है, बीच में अगर जरूरत पड़ेगा तो हम भी लेंगे, क्योंकि अभी तो इनमें उबाल ही नहीं आए हैं, तो उबाल आने दीजिए इनको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कितना बढ़िया से कढ़ी में उबाल आ रहा है, फिर भी आपको चलाते रहना है। एक चीज हमारा आपको दिखा दे, यहाँ पे देखिए कहीं से भी कढ़ी नहीं फटा है। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा फ्रेंड्स कि किस तरह से बनाना है हमको रेसिपी, तो हम बारीकी आपको बताते हैं। देखिए कहीं से भी कढ़ी नहीं फटे हैं, ये बस खासियत यही है कि इनको छोड़िए मत, चलाते रहिए। तो खासियत इसमें है कि बस चलाते रहे, ध्यान रहे। बहुत लोग पूछते हैं कि कढ़ी फट जाता है दही डालने के बाद फट जाए, तो आप लोग देख रहे हैं ना कि एकदम कढ़ी कहीं से भी नहीं फटे हुए है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा हम हरा धनिया लेंगे और इस तरह से मिला लेंगे, क्योंकि हरा धनिया तो हर सब्जियों का, हर दाल का, तड़के का, सबका जान है, तो इनका भी जान है। यहाँ पे मिला लिए, अब पानी का जरूरत नहीं है। और एक चीज की कढ़ी का मतलब ही होता है कि स्पेचुले पर इस तरह से लग जाए, तो इसी तरह से कढ़ी बनते हैं, ना ज्यादा गाढ़ा ना ज्यादा पतला, इस तरह से कढ़ी हमारा तैयार है। 2 मिनट और हम पकाएंगे इनको। तो कढ़ी तो यहाँ पर तैयार हो गए हैं, लेकिन इनका शोभा भी बाकी है, मतलब सजाना। तो देखिए सजाने के लिए आ गई है दुल्हन, दुल्हन को हम ले लेते हैं बारी बारी से, बड़ी को इसमें इस तरह से सभी को डाल देंगे एकदम काफी सॉफ्ट। हम आपको एक तोड़ के दिखाते हैं, देखिए ये देखिए एकदम हर जगह से जालीदार। अब बोलिएगा इसको क्या करें, हम इन्हीं में डाल देते हैं ना, ये हमारा शोभा भी बढ़ जाएंगे। ये देखिए सबको हम ले लेते हैं, यहाँ सबको ले लिए हैं। ये तो हो गए तैयार, अब हम तड़के के बारी है तो तड़का लगा लेते हैं। तड़के के लिए ले लिए हैं पैन, पैन में हम लेंगे सरसों तेल करीब 3 से 4 चम्मच के करीब तेल ले लिए हैं, तेल को गर्म होने देते हैं। अब यहाँ पे लेंगे हम दोनों मिला करके 1 चम्मच जीरा और काला राई, इनको ले लेते हैं।
दो सूखा लाल मिर्च और एक ताजे एकदम फ्रेश तेज पत्ता, आपके घर में है तो सूखा वाला भी ले लीजिएगा, हमारे बालकनी में है तो हम ले लिए हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। और 8 से 10 करी पत्ता, सबको तरकने देते हैं। तो ये देखिए अच्छे से तरकने लगे हैं, थोड़ा सा और हम इनको तरका लेते हैं। तड़का तड़क गए हैं, अब हम गैस ऑफ कर देते हैं, अब हम तड़का को लगा लेते हैं। तो अब हम अच्छे से सबको मिला देते हैं, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, वाओ क्या बात है। तो हमारा ये फुलौरी वाला कढ़ी बनकर तैयार हो गए हैं फ्रेंड्स। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें, छोटको सा जो घंटी है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो आने वाली सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा और हम हरा धनिया लिए हैं, आपको पसंद हो तो लीजिएगा, तो मत लीजिए, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करें, 8, 10, 20 नहीं कम से कम 4 लोगों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह से एक और नई वीडियो लेकर के, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रसोई मीना की, बाय।